भाई तो भाई अभी हम आ चुके हैं राजेश शाह के पास। इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, क्या क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या, हम लोग खाना खाए, मछली चावल, और जवाब जब बोला चलो घर, मजदूरी छूट जाएगा, वहाँ रहने का भी व्यवस्था नहीं था। अच्छा। हम लोग निकल गए हमारे 4 किलोमीटर पैदल, उसके बाद ऑटो मिला, ऑटो वाला को जवाब जब बोला सबको पैसा देंगे, लेकिन ऑटो वाला किसी को पैसा नहीं दिया। आपने शौच कहाँ किया? शौच कहाँ किया आपने? रास्ते में बांटते हैं, फल धरा था रास्ते में, किया खेत में किया, मजा आया। को पैसा नहीं दिया। और ढेलो चाचा मेरा जो भाड़ा भी दिया, उसने भी मार दी। अच्छा अब एक चीज और पूछता हूँ मैं, ना एक चीज और पूछता हूँ मैं सबसे, भाई ऑटो वालों को पैसा क्यों नहीं दिया? ऑटो वाला को लगा कि ई देगा पैसा, गौतम भैया देगा पैसा, लेकिन हमको क्या पता कि वो नहीं दिया और निकल चुका है। हम सब सोचे कि वो दिया है और हम सब भी निकल गए उसके पीछे पीछे। अच्छा आपने पैसा क्यों नहीं दिया? हम भी वही सोचे। क्या जो सोच रहे थे, क्या सोचा आपने? आपने पैसा क्यों नहीं दिया? बोल लो, बताओ बताओ बताओ, क्या पैसे नहीं थे आपके पास? देते ही नहीं था। पैसा था ना तो आपने क्यों नहीं दिया? ठीक है इनकम टैक्स का रेट पड़ जाएगा, पैसा है तो क्यों नहीं दिया? हम सोचे कि दे दिया होगा गौतम। अच्छा तुमने भी सोचा कि दे दिया होगा, और भाई तुमने क्यों नहीं दिया? दे दिया। मार नहीं खाया? नहीं मार नहीं खाया, बस तुमने अपने 20 रुपए दे दिए। ओ भाई साहब इनसे मिलिए भाई, यहाँ पे ना कुछ खास लोग बैठे हैं, लड़के का भाई, लड़के का छोटा भाई है भाई। अब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया। आपने पैसा दिया? हम सोचे क्या राजेश दे दिया। आपने सोचा? सब आने लगा था, हम भी आ गए। आप तो छोटे भाई हो ना, आपको तो पूछना चाहिए कि पैसा दिया या नहीं दिया। सब बोला था कि राजेश दे देगा। अच्छा, तो राजेश दे दिया होगा तो सब आने लगा था, हम भी भाग गए। अच्छा आप भी भाग गए? हाँ सब भाग गए। आप क्यों नहीं रुके वहाँ पे? हम क्यों रुके, सब भाग गया तो हम अकेले में क्या करें भाई। इन्होंने दोस्ती निभाई है, दोस्तों के साथ आए हैं। राहुल अबे अबे हाँ, ये भाई ये हमारा पिज्जा चौमिन बर्गर आपने क्यों नहीं दिया? सब भागा तो तुम भी भाग गए। आप कुछ कहना चाहेंगे जवाहर साहब? अरे क्या कहेंगे, तो आपने पैसे क्यों नहीं दिया? हमको क्या मालूम यार, तुम लोग आगे बैठे थे, हम पीछे बैठे थे। लो भाई सबसे सिंसियर आदमी, सबसे समझदार आदमी हमारे ग्रुप में, सब यूं मान लो सबका बाप बैठा हुआ है, और ये कहता मुझे नहीं पता, ये भी भाग गए भाई। इन्होंने भी पैसा नहीं दिया, और सबका टीचर भी यही कि चलो पैदल। अरे हाँ एक और थे ना, वो महान शख्सियत, महान शख्सियत मिस्टर मनीष कुमार। आपने पैसा क्यों नहीं दिया? पैसे दे दिया भाई। पैसा दे दिया? कितना दिया? 20 रुपया। और वो कुछ कह भी रहा था आपसे? कुछ कह रहा था, मैं सबको क्यों दूं भाई, सब तो अपने अपने आया, तो अपने दोस्त। अच्छा तो आप सबसे पीछे बक के आए थे? और क्या, आप मतलब सबसे पीछे, तो आप पकड़े गए थे? मैं किस लिए पकड़ो, मैं पैसे दे दिया अपना। अच्छा मतलब पैसा दे दिया आपने, मतलब भाई 200 रुपए की बात थी, 40 रुपए मिले भाई ऑटो वाले को। बात ये है, और भाई ऑटो वाले का भाई दिन खराब हो गया, पेट के पकड़ रहा था वो बेचारा, ये भाग गया था, ट्रेन के डब्बे तक आ गया था भाई, बोगी तक आ गया था, मेरे पैसे दे एक बंदे, और बस उसी वक्त ही ट्रेन चल पड़ी, तो हम सारे के सारे बच गए, किसी को लड़ाई और बहस नहीं करनी पड़ी। एक बार वीडियो शुरू बना लो, एक फाइट लग लो। हाँ एक बार आ जाओ सारे, इधर आ जाओ एक साथ। भाई ये हमारा पूरा कोच है जो फुल हो चुका है, ठीक है, ये हमारा पूरा कोच है जो फुल हो चुका है, यहाँ पे सारे भरे पड़े हैं, ये गंदे गंदे सारे कौन कर रहे हैं असली आदमी। तो भाई टोटल मिला के बहुत मजा आया, और यार टोटल हम लोग 10 बंदे हैं, और 10 बंदे आ गए, और यार मजा तो बहुत आया, एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्या कहूँ यार, ऐसा मजा नहीं आया कभी भी। और अब हम लोग पुंसिया पहुंच चुके हैं यार, और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली ब्लॉग पे। लव यू, बाय।